गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, सो इट्स आर फर्स्ट वीडियो फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम सीरीज दैट इज पंचायती राज. ओके, पंचायती राज वॉज नोन एज द रिवोल्यूशन इन इंडिया विच हैज़ बीन चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ द विलेजर्स. ओके, गांव के लोगों के जीवन को इसने पूरी तरीके से बदल दिया. इन वर्ड मेन इट चेंज द लाइफ ऑफ द विलेजर्स और वी कैन से इंडियन विलेजर्स. वी विल रीड इन आर नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर यू कैन सी बाय दीज इमेजेस अबाउट वॉट वी आर गोइंग टू रीड और ग्राम पंचायत. ओके, नाउ हियर कम टू द पॉइंट, पंचायती राज सिस्टम, वॉट इज दिस? सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू से इट इज़ अ काइंड ऑफ लोकल गवर्निंग सिस्टम और वी कैन से लोकल रूलिंग बॉडी. लाइक इन अर्बन सिटीज़ होता है ना, जैसे हमारे खाचोद में म्यूनिसिपैलिटी है तो यहाँ पर नगर पालिका, जैसे और बड़ा टाउन लाइक उज्जैन है, रतलाम है, तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं. ये लोग क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर शहर या सिटी के लिए काम करते हैं. वहाँ पर ड्रेनेज, क्लीनिंग और दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सारा मैनेजमेंट देखते हैं. जस्ट लाइक दैट विलेजेस में भी विलेज को रन करने के लिए एक रूलिंग बॉडी या गवर्निंग बॉडी होती है, दैट इज नोन एज पंचायत. और पंचायत जिस सिस्टम के अंदर वर्क करती है दैट इज नोन एज पंचायती राज सिस्टम. ओके, सो आई होप यू गॉट द आंसर. अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट. पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. कैसे करते हैं, वी विल गेट द आंसर लेटर ऑन. नाउ रीड स्टेटमेंट नंबर 2, द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. देखिए, हमारे इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है. ओके, फर्स्ट लेवल जो सबसे अपर लेवल है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है. सेकंड लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, जिसमें मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर होता है. और थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, गांव में पंचायत होती है और शहरों में सिटीज़ या टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका या नगर निगम होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं. तो पंचायती राज सिस्टम क्या है, ये लोकल गवर्निंग सिस्टम है या लोकल गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सबसे लोवेस्ट फॉर्म या फर्स्ट टायर, पहला स्तर, पहला लेवल होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. नाउ द स्टेटमेंट नंबर 3, इट फंक्शंस एट 3 लेवल्स. ये 3 लेवल पर काम करती है. जैसे हमने पढ़ा कि इंडिया में 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है. ओके, अपर लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, मिडिल लेवल पर स्टेट लेवल पर, मिडिल लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और लोवेस्ट लेवल पर या लोअर लेवल पर लोकल गवर्नमेंट. अब इस लोकल गवर्नमेंट में हमने पढ़ा कि पंचायत होती विलेजेस में, विलेजेस को जो है गवर्न करने के लिए. तो ये जो पंचायत होती है ना, इसके भी 3 लेवल होते हैं, 3 टायर होते हैं. एक होता है जिला पंचायत या जिला परिषद, दूसरा होता है ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति और तीसरा होता है ग्राम पंचायत या जिसको हम जनरली पंचायत बोल देते हैं. ठीक है, यानी ग्राम पंचायत किसको रिपोर्ट करती है, पंचायत समिति, जनपद जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, और फिर पंचायत समिति किसको, तहसील पंचायत समिति किसको रिपोर्ट करती है, जिला पंचायत या जिला परिषद को. ठीक है, ये पंचायती राज सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको हम ऐसा बोलेंगे. नाउ द जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ये तो आप समझ गए. नाउ द पंचायत समिति फंक्शन एट द ब्लॉक लेवल, यानी तहसील लेवल पर या प्रखंड स्तर पर, खंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, ठीक है, जनपद स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, जो है कौन सी पंचायत का कौन सा फॉर्म का कौन सा लेवल काम करता है, पंचायत समिति. किसके अंडर में, जिला परिषद के अंदर में या जिला पंचायत के अंडर में. अंडर द पंचायत समिति देर आर मेनी ग्राम पंचायत दैट कंप्राइज पंच एंड सरपंच एट विलेज लेवल. यानी पंचायत समिति यानी ब्लॉक पंचायत जिसको होता है, जिसको हम बोलते हैं, उसमें कई सारे ग्राम पंचायत शामिल होती है. जैसे खाचरोद जो ब्लॉक है, इसमें लगभग 200-300 या 300 विलेजेस है, इनमें पंचायत है. ये सारी पंचायत इन विलेजेस की जो है किसके अंडर में आएगी, खाचरुद की जो पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत है जो कोर्ट के वहाँ पर है ना, उसके अंडर में काम करेगी. ठीक है, और इन सारी गांव की जितने भी विलेजेस पंचायत है, इन सब में सरपंच होगा जो हेड होगा पंचायत का, और उसके अंडर में पंच हो गए यानी वार्ड मेंबर होंगे विलेज लेवल पर. ओके, अब ग्राम सभा क्या होती है. ग्राम सभा ये बॉडी है किसकी, ग्राम पंचायत की. ये क्या करती है, रीड हियर हाउ इट वर्क्स. द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत. यानी वो सारे एडल्ट, यानी वो सारे लोग जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा हो गई है, जो उस गांव की बाउंड्री में या लिमिट्स में रहते हैं. ओके, वो सारे जो है किसके मेंबर है, किसके पार्ट है, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो सारे लोग. मतलब जैसे ही उनकी एज 18 ईयर्स एबो हो जाएगी गांव के लोगों की, वो अपने आप ग्राम सभा के मेंबर बन जाएंगे.
यानी ग्राम सभा का पार्ट हो जाएंगे। ग्राम सभा क्या है, एक तरीके से कंट्रोलिंग बॉडी है, किसकी, ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत के कामकाज को देखती है। नाउ दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस, यानी ग्राम सभा में एक ग्राम हो सकता है या एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं, ठीक है। एनी वन हु इज 18 ईयर्स से इससे ज़्यादा का उम्र का जो व्यक्ति वो इसका मेंबर बन जाता है। मैंने आपको 18 ईयर्स ज़्यादा बता दिया था, यानी 18 वाला भी इसमें काउंट होगा। एंड हैज़ द हु हैज़ द राइट टू वोट, यानी जिनको भी राइट टू वोट यानी मतदान करने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, वो सब ग्राम सभा के मेंबर हो जाएंगे। तो वोट डालने का राइट किसको होता है, जो 18 ईयर्स या उससे मोर देन 18 ईयर्स होते हैं, यानी 18 ईयर्स और ओल्ड। नाउ फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या काम करती है, इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल, यानी ये वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पर गांव के लिए जो काम किए जाते हैं वो सारे गांव के लोगों के सामने प्लेस्ड यानी रखे जाते हैं, बिफोर द पीपल यानी लोगों के समक्ष। ओके, ग्राम सभा में मीटिंग होती है, यहाँ पर सभी लोगों को बताया जाता है ग्राम पंचायत क्या करने जा रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। नाउ इट प्रिवेंट्स, ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, ग्राम सभा पंचायत को गलत काम करने से रोकती है, यानी पैसे का मिसयूज करने से रोकती है। ओके, गलत काम क्या होगा पंचायत में, वहाँ पर पावर का मिसयूज हो रहा है या पैसे का यूज, गवर्नमेंट जो फंड देती है उसका मिसयूज होता है, तो उसके लिए ग्राम सभा जो है अपनी वॉइस रेस कर सकती है, लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल, के पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, है ना। लाइक हम बोल सुनते ना कि तालाब बनाई नहीं लेकिन उसके लिए पैसा चला गया, कुएं खुदे नहीं पर पैसा चला गया, सड़क बनी नहीं पर पैसा चला गया, फेवरिंग सर्टेन पीपल यानी कुछ लोगों का सपोर्ट करते हैं, उनको ही उनके उनके एरिया में काम हो रहा है, उन्हीं का काम होता है, तो ये भी जो है एक तरीके से मिसयूज ऑफ पावर हुआ। तो मिसयूज ऑफ पावर एंड मनी जो होता है पंचायत लेवल पर या ग्राम पंचायत के द्वारा, उसको कंट्रोल करती है, उसको चेक अपॉन करती है, कौन करती है, ग्राम सभा। नाउ इट कीप्स एन आई, ये नजर रखती है ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी चुने हुए प्रतिनिधियों पर, यानी पंच और सरपंच पर, यानी वार्ड मेंबर और सरपंच पर। सरपंच कौन होता है, हेड ऑफ द विलेज होता है, गांव का मुखिया होता है या हेड ऑफ द पंचायत होता है। एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड, और जिन लोगों ने मिलकर इनको चुना है पंच और सरपंच को, इनके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल बने रहे, ये काम भी, ये इसके लिए भी कौन जिम्मेदार होती है, ग्राम सभा जिम्मेदार। ग्राम सभा की ये ड्यूटी को पंचायत को रियलाइज करवाए कि वो गांव के लिए बनी और गांव का डेवलपमेंट करेगी, मिसयूज ऑफ पावर और मनी नहीं कर सकती। नाउ स्टूडेंट हियर यू मे सी ग्राम पंचायत, रीड हियर, इट इज़ द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा की एग्जीक्यूटिव विंग यानी पंचायत जो भी डिसीजन लेती है, ग्राम सभा जो भी डिसीजन लेती है उसको लागू करने का काम कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की क्या हो गई, एग्जीक्यूटिव विंग हो गई। ओके, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स, हर विलेज पंचायत को वार्ड में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे वार्ड होते हैं, छोटे छोटे एरिया गाँव के अलग अलग हिस्से, जैसे हमारे शहर में होता है। ओके, ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर या पंच, और हर वार्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जो उस वार्ड का वार्ड मेंबर या पंच कहलाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्टेड सरपंच, और ग्राम सभा के यानी गांव के वो सारे लोग जिनकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है, 18 मोर देन 18 ईयर्स है, वो गांव का एक हेड चुनते हैं, उसको पंचायत प्रेसिडेंट बोलते हैं या सरपंच बोलते हैं या हेड ऑफ द विलेज या गाँव का मुखिया या गाँव ग्राम प्रधान बोलते हैं। ओके, द वार्ड सर वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, तो वार्ड पंच यानी वार्ड मेंबर और सरपंच मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, ग्राम पंचायत 5 साल के लिए चुनी जाती है। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है, इसका भी चुनाव होता है क्या, इसके लिए वोट डालने पड़ते हैं, नहीं, ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल होता है, यानी सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया एक कर्मचारी होता है, अधिकारी होता है, जो ग्राम पंचायत में पैसे का हिसाब किताब रखता है। ओके, हु इज़ नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, ये इलेक्टेड नहीं होता, इसके लिए चुनाव नहीं होता है, बट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इसको सरकार अपॉइंट करती है हर पंचायत में। द सेक्रेटरी, इसकी ड्यूटी रीड हियर, व्हाट आर इट्स ड्यूटी और हिज ड्यूटी, द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होती है। ओके, इस सेक्रेटरी की होती है, एंड ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाने की भी जिम्मेदारी ग्राम सचिव पंचायत सचिव की होती है या सेक्रेटरी की होती है। एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, और वहाँ पर जो भी डिसीजन जो भी कार्रवाई होती है उस जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है प्रक्रियाएँ होती है उन सब का रिकॉर्ड रखना भी पंचायत सेक्रेटरी का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। नाउ स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा ये हमने रीड कर लिया है।
अब फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं? जैसे ग्राम सभा के तो फंक्शन हमने पढ़ लिए कि ग्राम सभा क्या करती है, तो वो जो है क्या करती है, मीट, इसमें क्या क्या होता है, ये आप मैंने स्लाइड पर दे रखा, आप पढ़ लेना, समझा भी दिया मैंने। अब ग्राम पंचायत के फंक्शन क्या है, तो द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, यानी पानी के जो स्रोत है, जल के स्रोत है, उनको बनवाना, उनको मेंटेन करके रखना, रिपेयर करवाना, सड़कें बनवाना, ओके, ड्रेनेज यानी नाली की व्यवस्था करवाना, स्कूल बिल्डिंग बनवाना एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, यानी जो सब लोगों का काम है ऐसी प्रॉपर्टी बिल्ड कंस्ट्रक्ट करवाना, लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स, यानी स्थानीय टैक्स लगाना, चाहे हाट के हो, मेले के हो, ऐसे टैक्स लगाना, संपत्ति कर घरों के ऊपर, उनको कलेक्ट भी करना लगाकर सभी लोगों से इक्वली, एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम, यानी सरकार जो स्कीम चलाती है उनको गांव में एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करना, ये भी पंचायत का काम होता है, रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, खासकर गांव में रोजगार बढ़ाने से संबंधित जो भी सरकार की योजना होती है, जैसे मनरेगा है, इनको इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करवाना। अब इसके फंड या पैसा कहाँ से मिलता है पंचायत को काम करने के लिए, तो एक तो हमने पढ़ लिया कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ये करती है, लोगों से टैक्स वसूलती है, ओन हाउस यानी घरों से, मार्केट प्लेसेस, कोई गांव बड़ा हो तो बाजार वाली जगह से, दुकानों से, गवर्नमेंट स्कीम्स फंड, गवर्नमेंट स्कीम से इसको फंड मिलता है, रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू, ओके, थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत से इनको फंड मिलता है, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क और सामुदायिक कार्य, यानी उसके लिए जो है डोनेशन देती है गवर्नमेंट इनको, तो इससे जो है पंचायत को इनकम होती है। तो स्टूडेंट हमने इस चैप्टर में जाना कि पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है, पंचायत ग्राम सभा की एग्जीक्यूटिव विंग होती है, ओके, जो कि गाँव को गवर्न करती है, और जो है इसको कहाँ से जो है सोर्सेस ऑफ मनी अवेलेबल होते हैं और इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सब हमने इस वीडियो में सीखा। ओके, थैंक यू।